पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट, बहुत टैलेंट है। मैं आपको बोलता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। टिकटॉक जो स्टार्स हैं ये अपनी 5-5, 8-8, 10-10 वीडियोस बनाते हैं, उसमें से 2 अपलोड होती हैं। अच्छा मीडिया में है, अच्छा तो क्या कमाते होंगे, क्या करते होंगे। टैलेंट वो है कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री में आए तो छा जाए, आप मीडिया में आए तो छा रहे, कुछ करने की जज्बा और लगन हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद एंड टुडे अगेन वेलकम टू वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हम और आप विद PNY। आज हम बात करने वाले हैं ये जो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया की अजारादारी है हर तरफ, इसी के बारे में हमने आज डिटेल डिस्कशन करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो वेरी स्पेशल पर्सनालिटी हैं, ही इज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड ही इज डिजिटल मीडिया कंसल्टेंट, CEO हैं ट्रांसकास्ट मीडिया के एंड फनकार ऑनलाइन के CEO हैं। तो वेलकम करते हैं नन अदर देन ज़ुहैब रमजान भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम। थैंक यू सुहैरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। सर प्लेयर इज और कि आप इस तरह से आ जाए हमारे साथ, बहुत सी बातें हैं जो कि हम जानना चाहते हैं आपसे, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और आई थिंक प्रोग्राम का टाइम जो है वो शॉर्ट लगेगा हमें, तो जल्दी से पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, काम भी सब हम आपका देख रहे हैं, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसमें तकरीबन 20 साल हो चुके हैं मुझे। माशाल्लाह आपने कहीं राइट आफ्टर बर्थ स्टार्ट ले लिया था, आपको 20 साल माशाल्लाह। आई वाज इन 5th क्लास जब से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब लिखने से स्टार्ट कर दिया था मैंने। अच्छा 5th क्लास तो एक बहुत कम एज होती है, क्या आपके लिए कोई इंस्पिरेशन था कि आपने किसी को देखा, आपने सोचा कि मुझे इस जैसा बनना है, या क्या वो पहली थॉट क्या थी तब? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस वो घर में न्यूज़पेपर आता था तो शौक हुआ कि यार इसमें खुद भी छपना चाहिए, नाम का शौक था ना कि नाम आना चाहिए। तो वो आपको पता टूटी फूटी उर्दू में बस ऐसे बच्चों के लिए पहली कहानी लिखी थी और हम बने बादशाह, तो बस उसमें नाम देखने का शौक था कि नाम छप गया। तो वहां से फिर CEO बनना अपनी जो है कंपनी का और एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, वहां तक का सफर आज आप कहां पे देखते? बहुत मुश्किल, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैं मतलब नेगेटिव वे में नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव वे में लेके आपको मतलब बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे फेजेस कितने हैं स्ट्रगल के, आपको गाइडेंस नहीं मिलती, यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग नहीं है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है ऐसा, तो गाइडेंस का वो नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है। और जाहिर है कि स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अच्छा आजकल की आप यूथ को कहाँ देखते हैं, क्योंकि अभी आप एक ऐसे मीडिया से कनेक्टेड हैं कि जो कि स्क्रीन पर सबको नजर आता है और बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है, लोग अपीलिंग है सबके लिए कि, और लोग वहाँ पे आना चाहते हैं। आपने माशाल्लाह बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, सना के साथ काम किया, हीरा मानी के साथ अभी जो लास्ट आपका प्रोजेक्ट था, फिर आप सेल्फ मेड हैं, आपने अपना नाम खुद बनाया, आपने सब अपनी जो स्ट्रगल है आपने खुद अपने बलबूते पे सब किया, फिर एक चेंज आया और वो चेंज ये था कि बहुत सारी ऐप्स आ गई मार्केट में और लोगों की एक्सेस में आ गई, ये इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों की एक्सेस में नहीं है, एक वो नज़र आ रहा है बॉक्स TV जिसके अंदर सब देख रहे हैं और वहाँ तक एक्सेस सबको बहुत मुश्किल लग रही है, और उन्हीं लोगों के हाथ में फिर ऐप्स आ गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक बात मैं कहना चाहूँगा शायद अजीब लगे, हम लोग ना आपके जो सवाल था उसमें ना 2 जवाब हैं आपके, बेसिकली मैं कहूँगा कि 2 सवाल थे आपके। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ना अक्सर कहते हैं, ब्लंटली कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट, बहुत टैलेंट है। मैं आपको बोलता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। टैलेंट आप किसको कहते हैं, कुछ करके दिखाएं तो वो टैलेंट है ना, सिर्फ अच्छी आवाज का होना, 4 वो एक्टिंग के आपने पैंतरे बदल लिए तो वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट कुछ और डिमांड करता है। टैलेंट वो है कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री में आए तो छा जाए, आप मीडिया में आए तो छा रहे, कुछ करने की जज्बा लगन हो, ये कमी है आजकल हमारे पाकिस्तान हमारे टैलेंट में, जज्बा नहीं है, शौक नहीं है, और शॉर्ट पैम्पर हम लोग हैं, शॉर्टकट जाते हैं, वही चीज हमें अब मुख्तलिफ ऐप्स में नजर आती है ना, वक्ती तौर पे वो वायरल हो गया, वक्ती तौर पे हमें वो फेम मिल गया और वक्ती तौर पे हम मगरूर हो जाते हैं। आप ये देख लें अब जितनी भी नई पोल आई है जिसको आप टिकटॉक स्टार कहते हैं, लाइकी स्टार कहते हैं, वो सब क्या है, वो मतलब जितने लोगों के साथ हमने काम किया है पुराने वक्तों में या पुराने लोगों के साथ, वो आज भी हम्बल हैं, वो आज भी सलीका रखते हैं
और ये जो आज शॉर्ट टाइम पर जो लोग और शॉर्ट तरीके से आने वाले लोग वो आपको कहीं और फिजाओं में मिलेंगे आपको. तो मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा पाकिस्तान को इन चीजों पे भी आगे बढ़ते हुए. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो क्या यूथ ही इसका शिकार है या फिर हर आजकल के दौर में जो एंट्री मारने वाला वो इस एटीट्यूड के साथ है? सबका असल में देखें ये एक आपका क्या होता है प्रैक्टिस होती है बींग ए कॉम आपकी प्रैक्टिस होती है. अब अगर हम सिर्फ एप्लीकेशंस की बात करें क्योंकि आपका वो मैं चाहता हूँ कि इसको आपके वो जो टॉपिक है उसके ऊपर ही रहते हुए बात की जाए तो एप्स में आप ये देखेंगे 5-10 सेकंड की जो वीडियो होती है उस पे आपने लेके उसको चलना होता है ना. तो अब उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं थोड़ा सा डांस करके दिखा दिया थोड़ा सा किसी के डायलॉग के ऊपर करके दिखा दिया वो चीजें अब आगे बदलेंगी. टिकटॉक का हरगिज ये मतलब नहीं है मैं आपको बताऊं और आपके तवज्जो से सब देखने वालों को बताऊं कि आपने किसी के बात के ऊपर कोई बात कर दी किसी के म्यूजिक के ऊपर आपने डांस कर दिया ये भी चेंज होगा. वक्त आएगा ना हम आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं तो ये भी वक्त आएगा ये भी बदलेगा. ये टिकटॉक ये लाइक इनका दौर बदलेगा बेहतरी की तरफ जाएंगे ये भी. अच्छा एक ये चीज बड़ी है व्यूज की गेम के व्यूज चाहिए ज्यादा इसके व्यूज आ रहे हैं वायरल हो रहे हैं. व्यूज तो हम सुनते हैं कि बाय भी किए जाते हैं ऐसा भी चक्कर होता है? बिल्कुल होता है और ये पूरी दुनिया में होता है. पूरी दुनिया के स्टार्स पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज करती हैं. अच्छा व्यूज बाय करती हैं सब्सक्राइबर्स बाय करती हैं फॉलोअर्स बाय करती हैं पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज करती हैं. तो इसको क्या पकड़ा जा सकता है कहीं से इनको इनकी ट्रैकिंग हो सकती है? पहले बात पकड़ना क्यों है व्यूज आ रहे हैं मतलब आ रहे व्यूज तो पकड़ना क्यों है और जरा के पकड़ने के लिए ये इसको ना एनकरेज करते हैं कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म एनकरेज करते हैं ये टिकटॉक ये यूट्यूब ये इंस्टाग्राम ये खुद भी एनकरेज ट्विटर एनकरेज करते हैं कहीं ना कहीं कि ठीक है आ रहे हैं. कॉम्पिटिशन बढ़ता है ना मतलब एक सुहेरा का कंपटीशन अगर किसी दूसरी किसी स्टार के साथ सेलिब्रिटी के साथ होगा तो कहीं ना कहीं तो होता है एलिमेंट के मुझे इससे ऊपर जाना है दिखना है ऊपर. ये ऊपर दिखने की जो लगन होती है ना वो ऐसा काम करवाता है. तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से जो क्वालिटी है कंटेंट में से वो मिसिंग हो रही है? नहीं मैं नहीं समझता. देखिए अच्छे व्यूज जो कोई बंदा चाहेगा वो वही चाहेगा कि जिसको सिर्फ ये होगा कि मैं काम तो अच्छा कर रहा हूँ वो अभी उसकी ना एप्रिसिएशन नहीं आ रही. एप्रिसिएशन इज इन शेप ऑफ फॉलोअर्स लाइक्स कमेंट्स एंड व्यूज. तो अगर वो कहीं ना कहीं पे वो शुरू में अगर वो इसका सहारा लेता है तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत बात भी है. अच्छा राइट वे में यूज कर सही बिल्कुल सही. अच्छा ये भी हम बड़ा आजकल जो हमारी यूथ है शिकवा करती नजर आती है कि हमने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया उसको इतने व्यूज नहीं मिले और किसी ने ऐसे ही कोई फजूल कंटेंट बना दिया उसको व्यूज ज्यादा मिल गए. अच्छा फजूल तो कुछ भी नहीं होता. देखें इस दुनिया में आज की दुनिया में जो एप्स की दुनिया है जो सोशल मीडिया की दुनिया फजूल कुछ भी नहीं होता. अभी वो एक छोटी सी बच्ची वो आपको पता ना वो कितने अरसे से स्ट्रगल कर रही थी उसकी 5-7 सेकंड की वीडियो वायरल हो गई वो पारी हो रही है. तो वो आप बहुत सारे लोग कहेंगे ये फजूल है लेकिन मेरे जैसा बंदा जो इन चीजों को डीपली डिग करता है देखिये उस 5 सेकंड की वीडियो में एक लड़की ने अपने आप को प्रेजेंट किया उसने अपनी एनवायरनमेंट को प्रेजेंट किया दिखा दिया वो किस जगह पर है उसके साथ एक टीम है उसके दोस्तों का ग्रुप है गेट टुगेदर हो रही है और वो एंजॉय कर रहे हैं. ये सारी चीजें उसने 7 सेकंड में आपको बताई हैं. तो उसमें थी ऐसी बात कि वो वायरल होती वायरल होने के यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि टिप्स पहली टिप तो ये हो गई कि आपने कम टाइम में मैक्सिमम जो है वो अपने क्या क्या बातें और हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है जिसकी वजह से कोई वीडियो है कोई कंटेंट है वो वायरल हो सकता है या उसकी व्यूअरशिप ज्यादा हो सकता है. देखिए सबसे पहले तो ये सोच के चलना पड़ेगा हमें कि अगर हम वायरल कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ये कोई हजार में से कोई एक केस होगा कि ऐसी ब्लंटली कोई चीज हो गई वरना ये सोची समझी साजिश होती है. ये वो क्यों जब आपने कोई कंटेंट वायरल करना है ना तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं क्या हूँ कहाँ पे खड़े होके क्या बोलना चाहूंगा और किस तरह से क्या दिखाऊंगा ताकि वो वायरल हो. बहुत सारे लोग इसके लिए कोशिश करते हैं ना कि ये मेरा ये मैं चीज बनाऊंगा वायरल. टिप ये है कि स्मूथ हो जाए. टिप ये है कि अपनी बात
को समराइज करें मुख्तसर सी बात में, आप अपने पैगाम को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए और जाएगा थोड़ा बहुत अच्छा भी दिखें, अच्छा दिखेंगे तो अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छा भी कहेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं। आपने देखा ना कि अभी कुछ ऐसे भी लोग वायरल होते जा रहे हैं कि जो ना उन्होंने कुछ अच्छा पहना होता है ना अच्छा वो बस ऐसे ही आ, तो वो हर एक के नसीब में ये चीज नहीं होती। तो इसको क्या आप लक कहेंगे कि ये एक लक है उनकी? मैं समझता हूँ कि वो लोग भी जिनको आप समझते हैं कि ये ऐसे वायरल हो गए, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की होगी उस 5-8 सेकंड के कंटेंट को बनाने के लिए, मेहनत की होगी, कई दफा डिलीट की होगी। आपको पता है ये टिकटॉक जो स्टार्स हैं ये अपनी 5-5, 8-8, 10-10 वीडियोस बनाते हैं, उसमें से 2 अपलोड होते हैं। वो भी इतने कॉन्शियस है अपने काम को लेके। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपके थ्रू आउट प्रोफेशनल जर्नी में आपको हमेशा याद रह गई, जो जर्नी था आपका उसके लिए कोई फनी चीज ऐसी हो गई या कोई ऐसी मेमोरी जो हमारे साथ शेयर? अभी तो दौर चेंज हो गया सर, मतलब हम एप्स की दुनिया में और सोशल मीडिया की दुनिया में आ गए। मैं टीवी चैनल पे होता था तो हम इंटरव्यूज किया करते थे, जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं इसी तरह से हमने एक इंटरव्यू किया एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी, बहुत अच्छा नाम पाकिस्तान का पॉलिटिशियन थे, तो उनका हमने इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू के बाद वो मेरे पास मतलब आके बैठ गए मेरे ऑफिस में और कहा कि नहीं चाय, चाय तो होगी, चाय के बगैर तो मतलब नहीं। तो हमने चाय पी और चाय पीने के बाद मुझे कहते कि यार ये मुझे इसकी सीडी मिल जाएगी, तो उसे सीडी बड़ा दौर होता था। मैंने कहा आपको सीडी दे देते हैं, कहते अच्छा चलें। मैंने कहा सीडी में ना कोई 20 मिनट लगेंगे, हम आपको दे देते हैं। उन्होंने मुझे कहा अच्छा ऐसा करें कि ना तब तक मुझे दिखा ही दे। मैंने कहा चले जैसे सी डी आपको मैं देता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एडिटिंग सेक्शन में चले गए, सी डी उनको दिखा दी, उन्होंने कहा कि जबरदस्त मुझे कुछ प्ले करके भी दिखा दे। मैंने क्या बोला था, अब मैं कॉन्शियस होते हैं, उनको 5-8 मिनट का वो इंटरव्यू उनका सुनवा दिया, बड़े खुश हुए कि यार बड़ा मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ, बड़ा मुझे कहते हैं चलेंगे सी डी दे दें। उनको सी डी उनकी पैक करके उनको पकड़ा दी, उनको दे दी। जाने लगे ना रस्ते से वापस आ गए, कहते यार ये ना रिवर्स करके काइंडली मुझे दे दें, ये ना हो कि मैं शुरू से देख लीजिए। मैंने तो उनके जहन में वो पीसीआर की टेप थी शायद वो वैसा कुछ होता है कि वो अच्छा ये भी बड़ी एक बात है कि अभी जैसे आप खुद एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप एक चीज़ से कनेक्टेड हैं, वो लोग जो लॉयर हैं, डॉक्टर हैं या इस फील्ड से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट्स बड़े डिफरेंट हैं इस फील्ड के लिए। समटाइम मैंने ये भी देखा है कि जो आर्टिस्ट हैं उनसे पूछा जाता है कि अच्छा आप क्या हैं, तो वो कहते हैं कि सिंगर हैं या एक्टर, वो तो ठीक है पर आप करते क्या हैं एक्चुअली, ऐसी सिचुएशन भी होती है समटाइम। अब बदल गया, शायद 10-15 साल पहले ऐसा होता था, अब अगर कोई लड़की भी बताए, आप भी बताती होंगी कि मैं एंकर हूँ, तो वो इसको फुल टाइम जॉब समझते हैं। लेकिन अभी भी ना वो कहीं ना कहीं होता जरूर है कि अच्छा क्या करते हैं, अच्छा मीडिया में हैं, अच्छा तो क्या कमाते होंगे, क्या करते होंगे, मतलब उनको लगता है कि हमारा सिर्फ वो जो ना दिखावा अच्छा होता है, और वो नहीं है, तो शायद पीछे पता नहीं वो गुरबर के सहारे होते हैं। तो मीडिया में क्राइसिस है लेकिन अब बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टीम के साथ हैं और वो जो आपकी कंपनी है वो कैसे काम कर रही है। आपके तवज्जो से मैं बताऊंगा आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कि इस फील्ड में भी पैसे हैं, आपको कमाने आने चाहिए बस। स्मार्ट वर्क, अच्छा ये जो स्मार्ट वर्क है कि आपको तरीका आना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आप उसके सिनेरियो में पूछ रहे हैं, डिजिटल मीडिया के सिनेरियो? हाँ जी बिल्कुल बोथ, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनका टारगेट है कि वो टीवी का स्टार बने, और बहुत से ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम डिजिटल मीडिया का जो कि हमारा सोशल मीडिया है इसके हम स्टार बने, तो इन दोनों के लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि ये तो कहा जाता है स्मार्ट वर्क करें, डायरेक्शन पता हो, पर वो एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में ये है एक फेज से सुहेरा गुजर के यहाँ तक पहुंची है ना, एक फेज से गुजर के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे, आज जहाँ पे बैठी हैं, किसी को मशवरा देंगी, बता सकेंगी कि शॉर्टकट करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे? नहीं, स्ट्रगल चाहिए इसके लिए, काम मेहनत चाहिए इसके लिए। आज की जो जनरेशन है ना वो ये चाहती है कि शायद हमने शॉर्टकट किया, आज हम टीवी पे आए कल को हो गए। मैं उनको यही कहूंगा कि मेहनत करें, लगन करें और करते रहें, करते रहें, करते रहें, फल तब मिलता है जब आप करते रहते हैं।
आप ये ना सोचें कि आज एक कर लिया तो हमने मत, बस इसके बाद हमने आगे बढ़ना है, करके दिखाना पड़ेगा। ये जो व्यूअर्स है ना, इनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे वो एक होता था ना पहले, टीवी का रिमोट होता था, स्किप कर देते थे, अब यूट्यूब पे या आपके मोबाइल फोन पे कितनी एप्लीकेशन और कितना कंटेंट है, ढेर लगा हुआ है। आप ऐसे करके उड़ जाएंगे, आपको नजर आना कैसे आना है ये दिखाना बड़ी बात है। वेरी ट्रू, वेरी राइट, नो डाउट। मैं तो भी स्टिल बहुत कुछ पूछना चाह रही, बट जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइम है वो एंडिंग पे है, लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा कि अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा हर दफा होता नहीं है, एक्सपेक्टेशंस अब लोगों की आगे बढ़ गई हैं। आज आप जिस दौर में रहते हैं वो OTT का दौर है, वो नेटफ्लिक्स का दौर है, दुनिया आगे जा रही है। अब कंटेंट के लिए ना बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, आपको पॉइंट आउट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेक्टिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने जो दिल में आया बोल दिया या जैसे आया बोल दिया, अब आपको अपने इन प्लेटफॉर्म्स की कदर करनी पड़ेगी, अब आपको बढ़ना पड़ेगा। जैसे मीडिया आया था ना नया शुरू में, तो चैनल्स का ढेर लग गया था, लेकिन तब भी वही आगे निकला था जिसके पास दम था, जिसने कुछ आगे बढ़ने की सलाहियत रखी हुई थी अपने पास। तो आज भी मैं यही कहूंगा कि आप YouTube पर ब्लॉगिंग करें, चाहे आप Instagram पे आप वो इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन जाएं या आप टिकटॉकर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि आप सेटिस्फाइड होंगे अपने काम से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब वो जो कॉन्टेंट बना के रात को सोने लगे ना, तो आप कहें यार कुछ अच्छा किया है मैंने, ये सोच और लगन होनी चाहिए, तब आप अच्छा करेंगे। वेरी ट्रू, बहुत शुक्रिया आज आपका हमें टाइम देने का और इतनी इंफॉर्मेटिव जो है डिस्कशन करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम के एंड में मैं यही बात कहना चाहूँगी कि मैंने जो एक चीज़ आज एक वाइब फील की है ज़ुहैब साहब में से, वो यही की है कि इतने बड़े ये काम कर रहे हैं और स्टिल ही इज़ सो हम्बल। तो आई थिंक मेरे नज़दीक तो ये जो की मुझे नज़र आ रही है इनकी सक्सेस की, वो इनकी ये हम्बलनेस ही है। काम करें, कोई भी करें, किसी भी तरह से करें, तो अगर इस चीज़ को थामे रखें तो आई थिंक कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे हम और आप विद PNY की न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।